तो हाँ, पूरे एक महीने की प्लानिंग करने के बाद और एग्जाम्स तक को त्यागने के बाद हम लोग जा रहे हैं। रुको रुको, व्लॉगर की तरह बताता हूँ। हेलो गाइस, सो फाइनली हम निकल रहे हैं जाने कितने टाइम का इंतजार के बाद कश्मीर ट्रिप पे। लेट्स सी क्या होता है, कैसा रहता है। मम्मी का तो काम खत्म ही नहीं हो रहा, ऊपर नीचे तू भी चल रही है। सो ये लड़की है रेडी रहती, इसको कोई काम नहीं रहते और हम लड़कों को इतने काम रहते, यू नो गाइस। सो चलते हैं, बहुत सारा सामान हो गया, बहुत ज्यादा लोड हो गया। ठीक है दादी, बाय, मिलते हैं 10 दिन बाद। क्या लाना? कुछ क्या? कश्मीरी मिर्ची ले आता हूँ। तो ये देखो भाई, ये है कुछ लगेज, ये अपना लगेज है। 4 जनों में 5 बैग जा रहे हैं, लिटरली हम 4 जने और 5 बैग लेके जा रहे हैं। तो अभी हमें पापा के फ्रेंड की कार में, क्योंकि वो हमें जा रहे हैं रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। और हाँ, मुझे ऑन द स्पॉट व्लॉगिंग करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और हाँ, हम 4 लोग होके भी अकेले नहीं जा रहे, मेरे साथ मेरे मामू की फैमिली भी आ रही है। और मैं कितना ही रियल रहने को कह दूं, मगर कैमरा देखते सबके एक्सप्रेशन पता नहीं क्यों बदल जाते हैं। इतना सारा लगेज लेके आए हैं और वापस कितना लेके आएंगे भाई? इससे भी ज्यादा लाएंगे भाई। बस अब फोन रख देता हूँ, इतना ही जिगरा है मेरे में। अब ट्रेन में चढ़ते हुए फोन चलाने का जिगरा नहीं खुशी इस बात की है कि इस केबिन की पूरी सीट हमारी है। और मेरे पास एक स्पेशल इंसान है जो मुझे ट्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं सोने देगा। बोतल है तेरे पास मेरी? वैसे हमने टिकट बहुत पहले बुक कर दिए थे और साथ में ज्यादा जने आने का फायदा ये हुआ हमें कि एक पूरे केबिन की पूरी सीट हमारी हो चुकी थी और हम इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे कि हमारे वजह से दूसरों को अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। खैर, तो ऐसे ही मस्ती मजाक में हमारी रात निकल गई, हमारी सुबह हुई पंजाब में। फिर क्या, 15 घंटे का सफर पूरा करके पहुंच गए जम्मू से थोड़ा आगे उधमपुर। और हाँ, हम ऑलरेडी एक टूर पैकेज बुक करके आए हुए थे तो हमें गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई मिल चुकी थी, तो टैक्सी की भागदौड़ नहीं मचानी पड़ी। अभी फिलहाल श्रीनगर में एंटर कर चुके हैं। अरे यार, गाड़ियों की आवाज बहुत आ रही है, रुको AI लगाता हूँ। फिलहाल श्रीनगर में एंटर कर चुके हैं, पता नहीं कश्मीर यहाँ से, सॉरी कश्मीर में तो है ना, नहीं श्रीनगर में, क्या पता नहीं। अभी हमको जाना है हमारे होटल में, होटल यहाँ से करीब करीब 90 किलोमीटर दूर है। अभी भी और लंबा सफर, हमको निकले हुए घर से हो चुके 30 घंटे। खैर, तो कोटा से निकलने से लेके अभी तक पूरे 24 घंटे बाद हम लोग पहुँच चुके कश्मीर में हमारे होटल में। वैसे रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट होटल के पैकेज में इंक्लूडेड था, तो हमें बाहर नहीं भटकना पड़ा उसके लिए। लेकिन फिर भी रात को बाहर तो हमें भटकना पड़ा, क्योंकि मैं अपना ट्रिमर लाना भूल गया था, तो हम पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान ढूंढ रहे थे जहाँ पे हमें ट्रिमर मिल जाए। वैसे कश्मीर की नाइट लाइफ मुझे तो काफी सेफ लगी, क्योंकि हर तरफ जब आर्मी दिखे तो भाई सेफ तो ऑटोमेटिकली लग ही जाएगा ना। सुबह 6 बजे, तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी उठ चुके हैं। सुबह की 6 बजे उठ गए थे, उठना था 5 बजे, पर कोई बात नहीं, नींद भी पूरी होनी चाहिए सफर में। तो अभी देखो ये कुछ हाल कर दिया हमने रूम का, मैंने रूम दिखाया नहीं था, ये कुछ रूम है। हाय, सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके ऐसे वीडियो बना रहे हो, तो ये कुछ रूम है। एंड मम्मी हमेशा जल्दी उठ जाती है, मम्मी लोगों को जल्दी उठना होता है, पता नहीं क्यों उठती है मम्मी आप जल्दी। यहाँ तो आपको बर्तन भी नहीं धोने, झाड़ू पोछे भी नहीं करने, फिर भी क्यों? वाओ, व्हाट अ बात, क्या बात कही। तो जैसा कि मैंने तुमको रात में दिखाया था कि मैं जाके ट्रिमर लेके आया था और मैं ट्रिम करना भूल गया। सुबह सुबह होटल में ब्रेकफास्ट सजा सजाया मिल जाए, क्या चाहिए भाई। और पर सुबह सुबह पता नहीं क्यों मेरी खाने की कैपेसिटी बहुत कम रही थी, तो मैंने थोड़े से पोहे और 2 ब्रेड सैंडविच खाए और खा पी कर निकल गए हम सीधा पहलगाम के लिए। और जिस गाड़ी में कल हम जम्मू से होटल तक आए थे, वही गाड़ी अगले 3-4 दिन तक हमें पूरा कश्मीर घुमाएगी। अभी जा ही रहे थे कि रस्ते में हमें ये जगह दिखी जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था। तो अभी हम आए हुए हैं एप्पल के, क्या बोलते हैं, एप्पल के फार्मिंग होती है यहाँ पे, जहाँ से एप्पल आते हैं। देखो इस तरह से कुछ एप्पल उगते हैं भाई, मैंने तो पहली बार देखा एप्पल को, फर्स्ट टाइम उगते हुए एप्पल से बना रहा हूँ, एप्पल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। एप्पल ही एप्पल है, हर तरफ एप्पल, इनको टच नहीं कर सकता मैं। एप्पल का जूस भी है, एप्पल का जूस भी है, एप्पल का जूस भी मिलता है यहाँ पे। चलो एप्पल का जूस दिखाता हूँ मैं, एप्पल का जूस भी बन रहा है भाई यहाँ पे देखो। तो एप्पल वैली में एप्पल का जूस पी के निकल गए काफी खूबसूरत जगह, बोले तो पहलगाम के लिए। तो पहलगाम आते हमें पता चलता है कि यहाँ पे टोटल 6-7 घूमने की जगह, और यहाँ जाने के लिए हमें घोड़े का यूज करना ही पड़ेगा, एंड एक घोड़े का प्राइस। पर फिर वही बात है ना, अब इतनी दूर आ गए क्या पैसा देखना। तो भाई अभी घोड़े पे सवार होके जा रहे हैं, मैं सोच रहा था पैदल जा सकते हैं, लेकिन हमको जाना है वहाँ पे, देख रहे हो कितना दूर जाना है भाई, तो घोड़ा करना ही पड़ा। ठीक है भाई, क्या मजा आ रहा है सच में, मेरे को लगा नहीं था भाई इतना मजा आएगा इसमें, लेकिन बहुत मजा आ रहा है इसमें। देखो तुम यहाँ पे सामने व्यू देखो,
और देखो अपने आप चल रहा है घोड़ा। मैं घोड़ा चलाना सीख गया भाई या फिर घोड़ा मुझे चला रहा समझ नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड में। मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं जगह को, पता नहीं क्यों। जाके देखेंगे कैसा है मामू, कैसा रहा एक्सपीरियंस घोड़े का। एक नंबर एक्सपीरियंस रहा घोड़े का हमारा, एंजॉयमेंट बढ़िया अच्छा हुआ। और डर पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। नहीं डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। देखो भाई सामने व्यू देखो हमारी कैसा। अरे हमारी कैसा लगा हमारी, मजा आया ना। बहुत डरावना, क्या डरावना इसमें, क्या इतना प्यारा जानवर है। देखो देखो साफ साफ बता रहा हूँ सबके पिछवाड़े में बहुत जोर का लगा भाई। चलो तुमको व्यू दिखाता हूँ, 3 2 1। देखो यार तुम सामने देखो एक बार, तुम लोग कैमरे पे तो फील नहीं कर सकता मैं तुमको, यहाँ पे आओगे जब भी देख पाओगे। क्यों भाई सही बात है ना, क्या नाम है तेरा? छेद। हाँ भाई ये मेरे मामू का लड़का, नाम है छेद। छेद और इसको तो मैंने मेरे काफी व्लॉग में दिखा रखा है, ये है मेरे मामू का बड़ा वाला लड़का। वैसे ये है मेरे छोटे वाले मामू का बड़ा वाला लड़का, लेकिन इसको घोड़े पे कुछ ज्यादा तकलीफ हुई भाई। इस पे क्या बोलते, घोड़े पे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था भाई, मैं व्लॉग में भी नहीं डाल सकता। तो अभी हम आए हुए हैं बेताब वैली। बेताब वैली आने के लिए हमारे घर वाले बहुत ज्यादा बेताब हो रहे थे, और यहाँ पे आगे सच कुछ दिखा नहीं। ये झील दिखी थी जो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को शायद दिखा चुका हूँ, पता क्या मैंने थीमेटिक ऐड करे या नहीं करे। बेताब वैली पर्सनली मुझे तो कुछ इतनी ज्यादा खास लगी नहीं, तो हमने यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। हाँ अगर खूबसूरती की बात करूँ तो यहाँ की हर दूसरी तीसरी जगह यार बहुत ही खूबसूरत है। अगली जगह के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था जो कि है आरू वैली, क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई थी। अब हमें तो वहाँ पहुँचने में 1.5-2 घंटे लग गए, पर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको 1 सेकंड में पहुंचाना मेरा फर्ज है। तो अभी हम आए हुए थे आरू वैली में, यहाँ पे हम आए थे, हमारा मेन मकसद था हमारा यहाँ पे आने का, हमें देखनी थी जो बजरंगी भाईजान मूवी में मुन्नी का घर था ना, वो इधर ही किधर था जहाँ तक हमने सर्च किया था, देखा था यहीं कहीं था वो घर। अब हमें कंफर्म पता है नहीं, तो हम यहाँ से जा रहे हैं, और पता नहीं कि भाई नींद आ रही बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही। और हमने गलती से आके चाय ट्राई कर ली, पता नहीं भाई किस चीज़ का दूध था उसमें जिसकी चाय थी वो। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बाकी तो भाई व्यू चेक करो तुम लोग, सच में यार भाई व्यू के मामले में तो नेक्स्ट लेवल, कोई मुकाबला ही नहीं है इस जगह का। जैसा कि तुमने देखा और मैंने बताया कि आरू वैली में बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो मैं व्लॉग को ज्यादा कंटिन्यू रख नहीं पाया और होटल में आते ही सो गया, फिर सीधा सुबह अगले दिन उठा। हाँ जी गुड मॉर्निंग, ये डे 2, अभी हम लोग निकल रहे हैं पता नहीं कहाँ के लिए, मुझे पता नहीं होता कि जाना कहाँ पे, बस मैं चला जाता हूँ। हम जा रहे हैं कुछ बोटिंग करना है, मतलब डल लेक, हम डल लेक जा रहे हैं अभी, डल लेक इतना मेरे को पता है, चुप रहे, हम डल लेक जा रहे हैं इतना मेरे को पता है। कश्मीरी बोट क्या होती है, बोट होती है, गले में खिंच के। माय ड्राइवर सर आ चुके हैं, इनके बिना हम गाड़ी, हमारी गाड़ी नहीं, गाड़ी के बिना ये नहीं। तो अभी आ चुके हैं हम लोग शिकारा राइड करने के लिए डल लेक। देखो डल लेक, तुमने कहीं ना कहीं तो नाम सुना होगा, ये बोट्स भी कहीं ना कहीं देखी होंगी। इस पे हमको अभी राइड करनी है, देखते हैं। अभी सुबह सुबह हो रही है भाई, थोड़ी बहुत ठंड भी हो रही है, और मैं तो शर्ट में आ गया भाई। बाकी लेट्स सी भाई कैसा रहता है। अभी लोग घर वाले बात कर रहे हैं, घर वाले साथ आने का यही फायदा है भाई, अपने को लाइन में लगना नहीं पड़ता, ये लोग कर लेते हैं सब कुछ। तो डल लेक को तुम बेसिकली ये बोल सकते हो कि एक पानी में पूरा शहर बना हुआ है, मतलब यहाँ पे बिजनेस भी चलते हैं, दुकानें चलती है, सब कुछ चलता है। मतलब यहाँ पे बोट वाले भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई मूवी की शूटिंग हुई थी मिशन कश्मीर करके, मैंने तो कभी देखी भी नहीं, पर कोई बात नहीं इंटरेस्ट ले लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं तो नहीं तुमको बोल रहे कुछ यार, रास्ते में बिकता रहता है भाई, एकदम ओपन मार्केट है भाई, ये सही है बिजनेस का भाई। 1 लाख रुपए वाला और 2 लाख रुपए वाला भी है। अब आप लोग देख के मान नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जो शॉप है ये पूरी तरह से पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, ये पानी के ऊपर है पूरी शॉप। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े ट्राई करे और मुझे पसंद भी आए, तब तक जब तक मुझे इसकी प्राइस नहीं पता थी। लेकिन यार यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो अभी ना हम लोग लाल चौक में आए हुए थे, यहाँ पे मम्मी को, लेडीज को, बाकी मामी वगैरह को, सबको शॉपिंग करनी थी। अब इन्होंने शॉपिंग करी या नहीं करी वो तो पता नहीं, क्योंकि भाई मैं तो अलग ही घूम रहा हूँ, मुझसे नहीं चला जाता इनका इतना लोड, ये लोग फ्री नहीं होते भाई। आज का दिन हमारा पूरा का पूरा श्रीनगर में था, तो काफी जल्दी हम लोग फ्री हो गए, तो सोचा कि होटल में ही कुछ किया जाए। तो कश्मीर की चाय बहुत गंदी लग रही थी, तो हम लोगों ने ना ये दूध लेके आ गए, केटल हम साथ में लेके आए थे, अब यहीं पे चाय बनाएंगे। टेट्रा पैक क्या है, कैसे खुलेगा, यूं खोलो खोलो ठीक है, कितने सुबह बन जाएगी। अरे किसी पियेंगे क्या, जो मामू खा जाएगा कल और ले आएंगे। क्यों जब अपने पास अब दूध है, एवरेज इंडियन मेंटेलिटी, तो उसका क्या करेंगे अपन, मान लो कल खराब होगा तो फिर रिग्रेट होएगा अपने को। ये चालू तो कर देते, वो चालू नहीं हो रहा। अबे यार वाह यार चेत क्या नाम है तेरा बताना, जो मेरा जी तू तो छेद बोलते सुन क्यों लेता है फिर, या तो सुना ही मत कर, कुछ सुन लेता छेद बोलते। अभी हम डालेंगे चाय में मियोनीज, ये तो हम राजस्थानी है, यहाँ पे चाय बनती है बकरी के दूध की, हम पीते हैं भैंस के दूध की।
अदरक भी लेके आए भाई। क्या खुशबू आई है, बस 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 ये बताओ कैसी है? सेम टेस्ट यही खा रहा है क्या यहाँ बनी तो? चाको भाई यार पता नहीं क्यों चाय का टेस्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, शायद यहाँ का दूध अलग है या फिर यहाँ का वातावरण अलग है, पता नहीं क्यों बट चाय का टेस्ट बहुत अलग था। पर हाँ एटलीस्ट कश्मीरी की चाय से अच्छी थी। हाँ जी तो ये हमारा तीसरा दिन कश्मीर में और आज हम जिस जगह पे जाने वाले हैं, जाने के पहले वैसे तो बहुत आलस आ रहे थे लेकिन हाँ जगह का नाम सुनकर थोड़ा सा एक्टिवनेस आ गई। पर एक मन की बात बताता हूँ, तीन दिनों में मैंने ऑब्जर्व करा जितना कश्मीर को, यार यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। मतलब यार अफवाह फैलाते हैं जो भी लोग इनके बारे में फैलाते हैं ना, 99% लोग यहाँ के अच्छे हैं। मैंने 100% क्यों नहीं बोला, 1% क्यों छोड़ा वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते जाएंगे ये जो चिप्स वगैरह के पैकेट ये फूलते जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोनमार्ग में। सोनमार्ग वो जगह थी जिसके लिए हम बहुत ज्यादा रुके हुए थे क्योंकि यहाँ के लोकल ने हमको बोला था कि यहाँ पे तुम्हें बर्फ मिलेगी, बर्फ मिलेगी। अब बर्फ मिले ना मिले तुम लोग व्यू चेक करो। यार मैं व्लॉग यहाँ पे बहुत कम बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना भाई, मतलब क्रेजी, बहुत ज़्यादा क्रेजी व्यू है यहाँ का। बाकी अभी ना हमने बात करी है एक दो ड्राइवर से, जो गाड़ियाँ खड़ी है ना इनके ड्राइवर से बात करी है, भाई ये लोग 10-10, 15-15 हज़ार ले रहे हैं एक गाड़ी का सिर्फ बर्फ दिखाने के लिए जो उस पहाड़ पे है। तो देखते हैं अभी पापा लोग डिसाइड कर रहे हैं, पापा मामू सब डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है, देखते हैं जो भी बनता है प्लान। बाकी घोड़े का तो नहीं है आज मन, घोड़े का बिल्कुल मन नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया घोड़े ने भाई, बहुत दर्द हुआ भाई, क्या बताऊँ कहाँ दर्द हुआ किसी की। एंड फाइनली काफ़ी देर तक बार्गेनिंग करने के बाद और दिल पे पत्थर रख के इन लोगों पर विश्वास करने के बाद हम लोगों ने 12,500 में दो टैक्सी फाइनल करी क्योंकि इन दोनों टैक्सी ड्राइवर्स ने हमें वादा किया कि तुम्हें लेह की साइड लेकर जाएंगे जहाँ पे तुम बर्फ को छू भी पाओगे, उसके साथ फोटो भी ले पाओगे, इतना कुछ बोल दिया इसने। लेकिन जैसा कि अभी तक के सफर में हमारा कश्मीरी लोगों से एक्सपीरियंस काफी अच्छा था तो हम लोगों ने भरोसा करके ये पैसे इन्हें दे दिए और चले गए इनके साथ। और फिर इसने बोला हमें कि एक व्यू पॉइंट आ चुका है, यहाँ पे रुक के आप लोग फोटोज वगैरह खिंचवा लो। हम लोग रुक गए और हम काफी खुश भी थे, फोटोज भी खिंचवा रहे थे। फिर जैसे ही जगह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके हम लोग टैक्सी में वापस बैठने लगे, ड्राइवर हमें बोलता है खिंचवा लिए फोटो बर्फ के साथ। हमने बोला ये दोनों टैक्सी के ड्राइवर हम लोग से बोलते हैं कि जिस पहाड़ के पास अपन रुके हुए हैं ना उसी पहाड़ में थोड़ी सी बर्फ जमी हुई है, वो देखो नीचे की तरफ तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पे। तो ये दोनों इनकी बात पे अड़ जाते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें बोला था कि तुम लोग फोटो खिंचा पाओगे, हाथ में ले पाओगे, तो इसको खुरच के हाथ में ले लो और अपने फोटो वोटो खिंचवा लो अच्छे से। बर्फ है ना सर इतना ही है आज, आज कहीं भी देख लो फुल मारा पहलगाम एक चट्टान पे लगा हुआ है, चट्टान से खुरच के निकालना पड़ेगा। तो वैसे साफ बोलते हैं ये जो है सर गलत, हम भी बोला अगर आगे बर्फ होता आपको कौन सा फर्क पड़ता था सर, हम बोलते हैं उधर भी बर्फ है लेकिन चलना पड़ेगा या दूर है या वहाँ पे है कम है उधर नहीं है सर। ये सब सुन के इतना ज्यादा दिमाग और मूड खराब हुआ ना सबका कि मन कर रहा था कि इन्हीं की गाड़ी के नीचे इन्हीं को कुचल दें, पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा इलाका इन्हीं का है। पर चलो कोई ना, सफर कर रहे हैं ये सब तो होना ही था। वो मिल गई बर्फ, कितने रुपए दिया अपने यहाँ तक आने के बर्फ के? 12,000 12,000 रुपए दिए और क्या मिला अपने को? ये सूखा, वहाँ जरूर थोड़ी दूर दिख रही है, बाकी बहुत दूर है, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। लद्दाख पहुँच गए, पहुँचते ले लद्दाख पहुँच चुके भाई, लेकिन यहाँ पे आगे क्या मिला कुछ भी नहीं भाई, अब समझ नहीं आ रहा इस व्यू को देख के कुछ हूँ, यहाँ से पैसे जो कट गए उसका गम बना है, बट कोई बात नहीं भाई, अच्छा तो लग रहा है देख के। इतना भी नहीं सोचा था कि भाई ले लद्दाख तक कभी आएंगे, पर आ गए, मतलब कभी तो आना था पर इतनी जल्दी आ जाएंगे, अचानक से आ जाएंगे वो सब नहीं सोचा था। सही है यार, यहाँ पे ये भी चलता है क्या टॉप खाएंगे पहाड़ी मैगी, पहाड़ी मैगी ऑर्डर करिए भाई, देखो पहाड़ी मैगी खाएंगे, बन गई भाई। बहुत सुना था पहाड़ी मैगी ऐसी होती है, पहाड़ी मैगी वैसी होती है, पहाड़ में जाके मैगी ट्राई करो उसकी स्वाद वहाँ पे है ये वो, आज ट्राई कर ली और सच में काफी ज्यादा अच्छी लगी। खा ली भाई मैगी, पहाड़ी मैगी खा ली अभी, देखो पूरी मैगी खत्म कर ली सबने, मजा आ गया पहाड़ी मैगी खाने का, अलग ही मजा है भाई। दिखाना इसकी एमआरपी कितनी है? एमआरपी है 40 और ये मिला हमको 140 का, जस्ट बिकॉज हम 11,000 फीट ऊपर है इसलिए हमने 100 रुपए इसके एक्स्ट्रा दिए। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे जोरजिला पास में, ये देखो यहाँ लद्दाख वाला एरिया है, ये देखो जोरजिला वॉर, यहाँ पे वॉर हुई थी कोई, तो मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं इन चीजों की पर फिर भी यहाँ पे कोई तो वॉर हुई थी भाई। यहाँ पे टैंक भी, रियल टैंक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। खैर रास्ते में चाहे कितना भी मूड खराब हुआ हो, दिमाग खराब हुआ हो, लेकिन यार यहाँ पे आके ना वर्थ इट लगी वो, क्योंकि हम लोग एक सिटी में रहते हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी का शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, एकदम नेचुरल हवा, वो भी चिल्ड ठंडी, ऑलमोस्ट 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ का क्योंकि सुबह ही बर्फ गिरी थी यहाँ पे। पर कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर हमें बर्फ पहले ही मिल चुकी होती तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते ना और ये सुकून इंजॉय नहीं कर पाते। नेचुरल हवा आ रही है भाई, चिल्ड ठंडा ठंडा भाई, एक नंबर मज़ेदार भाई, सच में हो गया, वीडियो बना ली, स्टोरी लगा ली, सब कर लिया, फ्लैक्स कर लिया, लेकिन भाई सुकून है ना वो एकदम
नहीं आ रहा। तुम्हारे को आवाज भी आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हवा चल रही है, नॉइज बहुत है। एक तो हवा इतनी तेज चल रही थी और ऊपर से इतनी ऊंचाई पे था कि ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था, तो जाके भी मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। हाँ, तो वक्त आ चुका था इस जगह को यहीं पे छोड़कर वापस श्रीनगर अपने होटल में जाने का, लेकिन रास्ते में हमें लैंडस्लाइड दिखी, बहुत ही खतरनाक रास्ते दिखे। ये सब वही रास्ते थे जो कभी मैं मोटो व्लॉगर्स के ब्लॉग में देखता था जो लद्दाख जाते थे। वीडियो में तुम्हें फिर भी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में भाई ये जो रास्ता है ना, इस पे इतनी ज्यादा फटी ना सबकी कि बस अब तो लगा कि खत्म। हम कितने हजार रुपए का चूना लगाया इन्होंने अपने? 12,500 रुपए का पूरा चूना लगा, क्योंकि हमको बोला गया था कि बर्फ दिखेगी, बर्फ हाथ में आएगी, लेकिन वो सूखी सी इतनी सी बर्फ थी। खाए अपना बस। चलो भाई कटवा टिप भाई, एक तो झूठ बोल के लेके जाओ और फिर टिप भी। अरे तो आप बोल के जाते ना कि नहीं दिखेगी, आप मना कर देते कि कितना सा दिखेगा, बोल देते आप। बोला था ना आपको यहाँ पे इतना, फिर आप टिप की भी बोल रहे हो, उसमें से थोड़ी होता है। बोला ना आपको इधर इतना, तो इतना यही दिखा हमको, वहाँ पे भी यही दिखा, यहाँ पे भी, और फिर टिप टिप की भी आ गई इसमें साउंड, टिप भी मांग रहे हो फिर आप। बताओ यार, टिप मांग रहे भाई, बताओ यहाँ पे बर्फ का बोल के लेगा, इतना सा टुकड़ा दिखाते जितना मेरे फ्रिज के अंदर रहता है, और फिर टिप भी दो। वैसे शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में मैंने ऐसा क्यों बोला था कि 99% कश्मीरी अच्छे होते हैं, बस 1% छोड़कर, तो ये उस 1% में ही थे। नहीं 98% अच्छे होते, 2% खराब होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तुम लास्ट डे पे देखना हमारे। गुड मॉर्निंग भाई, तो आज हमारा लास्ट दिन कश्मीर में, बोलते बहुत बुरा लग रहा है पर क्या करें, आज हमारा लास्ट दिन है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी ट्रिप को ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो चुके हैं, 4 से 5 दिन की ट्रिप थी, और अभी हम आए हुए हैं गुलमार्ग में। गुलमार्ग में हम करेंगे गोंडोला राइड। गोंडोला राइड क्या होता है तुम्हें पता है तो पता है, नहीं पता तो मैं भी बताऊंगा। वैसे लास्ट दिन तो कल है, पर टेक्निकली ट्रिप आज खत्म हो जाएगी। यार ये सब हिल रहा है या फिर क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे हिलता हुआ दिख रहा है और कैमरे में दिख रहा है कि फ्लिकर कर रहा है। आज हम कश्मीर का फेस 1 और फेस 2 कवर करने वाले हैं, मतलब सिंपल सा समझ लो, तुम फेस 1 पे थोड़ा ऊपर जाएंगे और फेस 2 पे पूरा ऊपर जाएंगे, एकदम ऊपर। गोंडोला राइड के लिए जा रहे हैं। इतनी जोर की ठंड लग रही है, मैंने तो हुडी डाल ली भाई, हुडी पहन ली भाई मैंने तो। ये होने वाली राइड हमारी, ये राइड होने वाली हमारी। एक फोन पकड़ा दूंगा आप लोगों को, आप लोग वीडियो बनाते रहना। और बहुत ठंड लग रही है, गंदी क्वालिटी आई है यहाँ तो, कांच बहुत गंदे हैं। हाँ जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमार्ग के फेस 1 पे, हमारी आधी गोंडोला राइड खत्म हो चुकी है, आधी होगी फेस 2 के बाद। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, वो तो जल्दी जल्दी में मैंने दिखाया नहीं, पर ये जो तारों पे झूलता हुआ डिब्बा दिख रहा है ना, इसे ही गोंडोला राइड बोलते हैं। So, अभी हमारी गोंडोला राइड खत्म हो चुकी है, हमने यहाँ व्यू भी एंजॉय कर लिया। मैं ज्यादा ब्लॉग नहीं कर रहा है यहाँ पे, उसका भी रीजन है यार, थोड़ा एंजॉय कर लूँ, ब्लॉग व्लॉग कहाँ तक करूँ, ज्यादा मैं ब्लॉग कर नहीं रहा। बाकी यार व्यू देख लो तुम लोग, कश्मीर में किसी भी जगह व्यू देख लो उठा के भाई, तगड़ा ही लगता है। और गोंडोला राइड हमारी खत्म नहीं हुई अभी, एक और बाकी है। अभी हम फेस 2 में आ गए हैं, फेस 2 में जाना नहीं, अभी हम फेस 1 में आ गए हैं, फेस 2 में जाएंगे अभी। वहाँ पे बताया जा रहा है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है और ऑक्सीजन की भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वहाँ पे ऊपर जाना है हमें, देख रहे हो वो उस जगह पे, अबे यार तो ब्लर हो जाता है। हाँ ओके, उस जगह पे जाना है भाई हमें, इसमें बैठ कर। अभी हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, हम यहाँ तक भी वहाँ से आए भाई, इतनी दूर से अभी और जाना है। लेट्स सी भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है, अभी तक तो ठीक ठाक ही था, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा, उसका कांच इतने गंदे क्वालिटी के थे ना गोंडोला राइड के, बहुत ही गंदा था भाई कांच उसका, तो मैं उतना रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा। बाकी तुम लोग सिनेमैटिक्स देख रहे होंगे। अब वापस से गोंडोला राइड में सवार होके हम लोग चले गए थे फेस 2 के लिए, मतलब सीधा बादलों के अंदर। लेकिन अचानक से जैसे हमने नीचे देखा, हमें क्या दिखा, यहाँ पे इस पहाड़ पे बर्फ जमी हुई है, और हमारी एक्साइटमेंट पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी थी, और एक्सपेक्टेशन तो भाई पूछो ही मत। बस अब सब यही सोच रहे थे कि फटाफट से राइड खत्म हो और हम नीचे जाएं और बर्फ में खेलें। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर कहानी का एंड एक जैसा ही हो। हाँ मतलब यहाँ पे भी नहीं दिखी बर्फ, दूर दूर तक कोई बर्फ नहीं थी, वो तो वो पहाड़ पे बर्फ इसलिए थी क्योंकि उस पर धूप नहीं पड़ती। खैर चलो कोई ना, तो आ गए हैं सबसे टॉप पे, एकदम टॉप पे आ चुके हैं अब पहाड़ों के, सीजन बिल्कुल नहीं है, शायद इससे ऊपर कुछ भी नहीं है शायद। ये देखो ऐसा लग रहा है हिमालय सामने। अरे यार तो जूम कैमरा, हाँ ठीक है। अब एक तरफ सब लोग अपने फोटोशूट में व्यस्त हो गए और दूसरी तरफ मैं इस व्यू का मजा ले रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज जरूरी है कि सारे मोमेंट्स कैमरे में कैप्चर हो, कुछ दिलो दिमाग में भी होनी चाहिए।
खैर ये जानते हुए कि आज हमारा यहाँ पे लास्ट दिन है तो सुकून से 2-3 घंटे यहाँ पे बिताए। पापा और मामू पता नहीं कहाँ से ढूंढ के बर्फ लेके आए, ये फोटो नकली है सारे, जो भी देखे ये सारे फोटो नकली है, जो भी आप लोग देखोगे फेसबुक वगैरह पे। कहाँ से लाए बर्फ, ये तो पड़ी थी, उठा के तो लाए। बर्फ गिरी नहीं थी, ये जमी उठाई है खुरज, बता दी मैंने सच्चाई। खैर एक सच्चाई ये भी जान लो कि तापमान में ऊपर नीचे और हाइट में ऊपर नीचे जाने के चक्कर में भाई हमारा सिर दर्द हो रहा था बहुत ही तगड़ा वाला। और एक इंडियन व्यक्ति कभी भी सिर दर्द के बाद मेडिसिन नहीं ढूंढता, चाय ढूंढता है। तो अभी आए हुए थे सोना वाग में, यहाँ पे हमने सब कुछ तो कर लिया था, बस हमको थोड़ा चाय पीना था। और इस बार हमने ना, और ये हमारे ड्राइवर साहब याद है मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 98% लोग अच्छे होते हैं, तो हसन साहब भी 98% नहीं थे। अब मैंने है की जगह थे क्यों बोला, वो मैं आगे बताऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने हमको घुमाया पूरा सफर इन्होंने कराया, बहुत शानदार सफर कराया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर आए तो हसन, चलो हसन साहब का खुलासा आगे करेंगे, पर अभी दिल को जो चीज अच्छी लगी जिसने सुकून पहुंचाया उसकी बात करते हैं। तो भाई पूरे अभी कश्मीर में भाई 4 दिन से रुके हुए हैं, अभी जो चाय भाई ने पिलाई ना उससे अच्छी चाय किसी ने नहीं पिलाई, सबसे अच्छी चाय कश्मीर में पिलाई है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। वैसे जगह कौन सी है भाई, लोकेशन बताना। मेन मार्केट। ठीक है, जिसको भी आना हो यहाँ पे आ सकते हो आप, अगर सोमवार विजिट कर रहे हो तो। ठीक है, गुलमार्ग। एंड जब चाय वाले भाई का बिजनेस बढ़ा ही रहा हूँ तो लगे हाथ खुद का बढ़ाना कैसे भूल सकते। सुबह 9 बजे हाँ जी, तो आज है हमारा लास्ट दिन कश्मीर में। बोलते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि ये जो व्यू है, ऐसे घर हैं प्यारे प्यारे, इन सब चीज़ों को बहुत मिस करूँगा। बहुत एडवेंचर करा, बहुत नए नए लोग मिले, बहुत कुछ हुआ भाई, लेकिन यार याद तो आएगी सच में। यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा याद आएगी, अभी एक्चुअली थोड़ी थोड़ी सी घर की याद आ रही है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा यहाँ की याद आएगी। बट कोई ना, अभी उठ चुके हम, सुबह के 8:30 बज रहे, हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं नहा धो के, अभी हमको सीधा जाना नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद चले जाएंगे हम यहाँ से जम्मू के लिए बस में, उसके बाद ट्रेन से कोटा राजस्थान। तो आखिरी दिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए होटल का ब्रेकफास्ट लंच की तरह ठूसने के बाद बोरिया बिस्तर बांधकर होटल छोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं, और उतनी देर में अपनी नई नवेली हाईटेक ट्रेवलर आ जाती है। हैं, नई ट्रेवलर? फिर हसन भाई बोले तो ड्राइवर साहब का क्या हुआ? तो यार देखो सीधी सी बात है, हम लोग कोई अंबानी की औलाद तो है नहीं, हम कर रहे हैं बजट ट्रिप, और हसन भाई से हमारा इतना अच्छा रिलेशन बन गया था इन 4 दिनों में कि हमें लगा था कि एकदम फैमिली जैसे। लेकिन वो एट द एंड टूर कंपनी के साथ ही जुड़े हुए थे, तो हमने फिर भी उनसे पूछा कि क्या आप हमको टूर के अलावा अलग से छोड़ सकते हो स्टेशन तक जम्मू। तो उन्होंने हमको बोला कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, बाकी तुमसे एकदम सही रेट लूंगा घर जैसी 14,000। ठीक है, याद रखना 14,000 इन्होंने बोला था। और जितना भी कश्मीर को हमने एक्सप्लोर किया था, मार्केट वगैरह को, हमें यही दिखा था कि कश्मीर बहुत महंगा है, तो हमने सोचा कि यार 14,000। लेकिन मामू बोलते हैं कि हसन भाई को कंफर्म करने से पहले एक बार ऑनलाइन ट्राई करते हैं, और ऑनलाइन बात करी तो हमें सिर्फ 8,000 में उस गाड़ी से भी बेटर गाड़ी मिल गई, जिसने हमें काफी सेफ तरीके से जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुंचा दिया। देखो हमें पर्सनली कोई हसन भाई से हेट नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन यार पैसे के मामले में डगमगा गए। इससे हमें सीख जरूर मिल गई कि आज के टाइम पे पैसे से ऊपर कुछ भी नहीं रखते लोग। खैर कोई ना, एट द एंड हम लोग सही सलामत अपने घर पहुंच गए, और क्या चाहिए। लेकिन अगर तुम लोगों ने वीडियो यहां तक पूरी देख ली तो यार प्लीज एक कमेंट ड्रॉप करे बिना बिल्कुल मत जाना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, जैसी भी है पॉजिटिव नेगेटिव तुम कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि एडिटिंग में भाई हालत खराब हो जाती। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन peace.